तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। एक न्यूज़ सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 60 स्टूडेंट्स, 60 लड़कियों की वीडियो बनने की वायरल खबर सामने आई कि उस वीडियो के अंदर नहाते टाइम लड़कियों की एक वीडियो शूट की गई और उस वीडियो को वायरल किया गया। और खबर आई कि कुछ लड़कियों ने वीडियो वायरल होने के बाद अपनी जान देने की सुसाइड करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर दो दावे किए जा रहे हैं, एक बात लड़कियों की तरफ से आ रही है और दूसरी बात पुलिस वालों की तरफ से आ रही है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने आरोप लगाया कि 60 लड़कियों की नहाते हुए वीडियो सिर्फ एक लड़की ने चुपचाप शूट किया, उन 60 वीडियोस को, 60 लड़कियों की अलग अलग वीडियोस को, और फिर उन वीडियोस को वायरल कर दिया। जैसे ही ये बात सारी जगह फैली, फिर सब लड़कों ने यूनिवर्सिटी के मिलके प्रोटेस्ट किया, फिर सुसाइड की कोशिश भी की गई 8 स्टूडेंट्स द्वारा। एक वीडियो वायरल भी हुई जिसके अंदर आरोपी लड़की से वार्डन पूछताछ कर रही है, और उस वायरल वीडियो में जो लड़की है वो अपने फ़ोन में व्हाट्सएप की चैट दिखाते हुए कॉन्टैक्ट में फ़ोटो भी दिखा रही है कि मैं इस लड़के को वीडियो सेंड कर रही थी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पर बाद में वो पता चला कि वो लड़का बॉयफ्रेंड नहीं था जिसकी वो फ़ोटो दिखा रही थी, वो लड़का कोई और था। अभी तक वैसे साफ क्लियर कुछ नहीं हो पाया है कि कौन लड़का कल्प्रिट है यहाँ पर, कौन गुनहगार है, किसने बोला था वो वीडियो शूट करने के लिए, क्या सच में ये एक ही वीडियो इनके फोन में मिली है या 60 लड़कियों की और वीडियो थी रिकॉर्डिंग। और जिस लड़की ने ये वीडियो वायरल करी है उसे एक जगह बंद करके रखा गया है, वो जो वार्डन है और यूनिवर्सिटी बात दबाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, बने रहें।